पछुआ वर्ग को भंडेवा को पुणी षड्यंत्र एसीबीसी तालिकार जोड़ी हेले राज्यर आउ 22 जाति कैबिनेट निष्पत्ति परे बढ़िला वितर्क नजर पकातु ए तालिका उपर वर्ष पर वर्ष राज्य सरकार जोड़ुछंती नुआ जाति एवं सुधा 230 जाति को एसीबीसी मान्यता देछंती राज्य सरकार आउ 22 जाति नुआ भावे जोड़ी हेबा परे राज्य सरकार का दाबी जे सेमानंकु मिलिबो नाना सुविधा सुजोग वर्तमान ओडिशार 22 गोटी जाति एवं बा संप्रदाय एवं यार सामर्थक जाति गुड़िक भारत सरकार द्वारा विभिन्न विज्ञप्ति माध्यम रे ओडिशा राज्य निमित्त सेमानंकु ओबीसी तालिकाभुक्त होइछंती माननीय कैबिनेट सदस्य अनुमोदन आशा करथिले एवं ताकु आज विचार आलोचना करी राज्य कैबिनेट एई अमेंडमेंट करिया पई स्वीकृति प्रदान करिछंती जहाँ फल यही 22 गोटी जाति बा संप्रदाय जहाँ केन्द्रीय लिस्ट ओबीसी लिस्ट अछि ताकु आमे राज्यर एसीबीसी तालिकार सेमानंकु अंतर्भुक्त करा जाय पारि विरोधी अभियोग यह केवल सत्यर अपलाप 1992 रु संवैधानिक भाव ओबीसी को शिक्षा और चाकरी क्षेत्र में मिली संरक्षण अधिकार व्यवस्था कहूँ कौन राज्य में विशेष परिस्थिति में संरक्षण 50% रु अधिक करोशी आंध्रे पछुआ वर्ग को 27%, आसामे 27%, बिहार में 34, दिल्ली गोवा और गुजरात पर राज्य में चाकरी और शिक्षा क्षेत्र में 27% संरक्षण रही किंतु ओडिशा रे मोट जनसंख्यार 54% ओबीसी होता बेले से मिलूँ मात्र 11.5% संरक्षण यह नियाबाण विरोधी अरे ओबीसी तालिकार जी अच्छी जे केन्द्र तालिकार अच्छी से राज्य तालिका रहे बाध्य केन्द्र सिलेक्ट कर गरीब पछुआ राज्य आज पर्यंत तालिकाभुक्त करा के अधिकारू वंचित कर रखा के समग्र देश में सबू राज्य भी शिक्षा संरक्षण व्यवस्था अच्छी नाम लेखार ओडिशा रे जीरो आदौ ना एमती केन्द्र सरकार 27% मेडिकल डेंटल सैनिक स्कूल केन्द्रीय विद्यालय सब थे व्यवस्था कले कि ओडिशा सरकार ना धरूना 0% आज भी अच्छी किसी करना जाति भित्तिक जदि गणा हे नवीन बाबू ता पर दिन जी कौन से दिन पड़े ए केत लोक कारण अच्छा हाँ से ये ओडिशा रे केबे जाति भित्तिक गणना राज्य में पछुआ वर्ग को केबे मिलिबो सेमानंक हक केबे जना पड़िबो ओडिशा रे पछुआ वर्ग प्रकृत संख्या केते जाति भित्तिक जनगणना पाई घोषणा करी काहेकि चुप बसिछंती राज्य सरकार राज्य में ओबीसी कमिशन माध्यम रे सर्वे कराइबा को निष्पत्ति निया गला आउ 2021 मे रु एही सर्वे काम होई जून 11 रे सरीबा पाई समय स्थिर होइथिला एति पाई प्रशिक्षण सह फर्म प्रस्तुत होता हेले जमीती निष्पत्ति शीतल भंडार में पड़ी पूर्व पछुआ वर्ग प्रसंग को नहीं संसद में वितर्क बेले ओडिशा सरकार का पछुआ वर्ग प्रीतिर पोल खोली केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से पूर्वतन केन्द्रमंत्री श्रीकांत जना भी ए प्रसंग में निज मंतव्य रखी सरकार का आभिमुख्य प्रश्न उठाई कि हमारे वहां लिस्ट नहीं है ओडिशा में आज भी लिस्ट है आपको कौन मना किया था सुप्रीम कोर्ट आने में 2014 में आपको एक दिखाना था 52% लोग उड़ीसा में पिछड़े जाति के हैं आपकी मन में क्या है भगवान को प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ को मालूम होगा आप सांकेतिक रूप में चले गए हाईकोर्ट में कोई कुछ लोगों को भेज दिए तो आप ही के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य कहते हैं राजा स्वयं जैसे जो लोग कहते हैं कि भाई लोग निर्णय किए 27% रिजर्वेशन देने के लिए उड़ीसा में फिर पीछे से किसी को भेज दिया हाईकोर्ट में हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया किसी ने मना किया था आपको सुप्रीम कोर्ट आने के लिए बीजेडी पक्ष जेहेतु उड़ीसा हाईकोर्ट आम रिजर्वेशन पॉलिसी को स्ट्रक डाउन कले 27% को जेहेतु एम्बार्गो अच्छी 50% रु अधिक रिजर्वेशन हो पार ना जो आम 11% 11.25% भितर सीमित रखीचु जॉब रिजर्वेशन एवं शिक्षा क्षेत्र में आदौ दि जाए ना आज पर्यंत आदौ दि जाए ना ओडिशा एकमात्र राज्य सारा समग्र देश में जो ओबीसी छात्र छात्री मान रिजर्वेशन ना विषय प्रोसेस अच्छी आमर कमिशन भी गठन करा
ଏବଂ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ନିର୍ବାଚନରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପ୍ରେମ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଲୋକଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ ଏଭଳି ତାଲିକା ଯୋଡ଼ା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।